सुबह के 5 बजे हैं। कौन सा कर दिया? कुछ कुछ रिकॉर्ड कर लूँ मगर थोड़ा थोड़ा सिस्टम। राम राम जी। आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आज हम सारे दोस्त मालिक के दर्शन करने जा रहे हैं और हम सबसे पहले जाएंगे सालर से बालाजी, उसके बाद जाएंगे खाटू श्याम, उसके बाद जाएंगे हम बाबा मोहन राम के दर पर। तो अभी जो है ये दो भाई हैं, विशाल भाई बैठे हैं अभी, और उधर जो दिख रहे हैं वो चश्मे वाले भाई, उनका नाम है विवेक और ये हंसुमन और ये तो भाई मैं हूँ ही। और अभी हम बीच में रुके थे, बीच में रुकने पर हमने अपना नाश्ता वास्ता किया गुड़गांव से निकल के थोड़ा सा, तो हमने नाश्ता करने के बाद हमने फिर से गाड़ी जो है वो दौड़ा दी आगे को, और फिर हम जो है यहाँ पे रुके थे एक जगह, बारिश रुकी कि फ़ोटो वोटो ले लें, फिर एकदम से बारिश जो है आ गई थी भाई, तो हम जैसे तैसे बस पता नहीं कैसे कैसे ही निकले। और मैं आपको फोटेज भी दिखाऊंगा कि भाई बीच में ना ऐसे देखो इनके टायर भी डूब जा रहे हैं, और वो देखो उसकी जो है बाइक बेचारे की बीच में ही रुक गई थी उस्ताद की। तो इतना होने पे हम जो है चलते रहे और इस तरफ बस हमें यही परेशानी में भाई साहब, पिछले 4 किलोमीटर से हाल यही है। और ये देखो 4 किलोमीटर अरे वो पहले भी तो आया था वो, और आगे तक भी यही सिस्टम दिखाई दे रहा है। रीसेंटर करियो एक बार, कट गया मामला। जैसे मैं वीडियो बना रहा है ऐसे मेरी वीडियो है बना रहा है भाई, सारे में पानी पानी भरा पड़ा पूरा पूरा। ये देखो कैसे चल रहा है पानी भयंकर। भाई तुम में से किसी पे लीड नहीं? नहीं। तो भाई यहाँ से ना हमने अपनी गाड़ी में सारे सामान लोड कर लिए थे, पानी खरीद लिया था, बाकी आइसक्रीम कपड़े सब चीज़ें खरीद के हम चल पड़े। फिर मैं सनरूप से जो है थोड़ा सा बाहर निकल के सेफ्टी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए बहुत, क्योंकि बहुत आराम आराम से गाड़ी चल रही थी, और यहाँ देखो ये आगे तक पानी ऐसे ही भरा पड़ा था भाई, पूरा पानी ही पानी हुआ पड़ा था। तो फिर जो था ऐसे ही हमने बारिश आ गई, नीचे बंद की सनरूफ, और भाई पता नहीं क्या ही हो रहा है कि जब से हम आए ना मतलब बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही भाई। पीछे मैं और विवेक भाई बैठे थे आराम से, और आगे दोनों भाई बैठे ही थे, पर बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। जैसे ही हम यहाँ से गए, फिर जो है हम बालाजी थोड़ा दूर रहते हैं, हमारे लैपटॉप वगैरह रखे हैं क्योंकि सबका ही जो है काम चल रहा था सालासर धाम के लिए, हम यहाँ से मतलब जाएंगे डायरेक्ट। तो भाई अब जो है हम पहुँच चुके हैं, क्योंकि मैंने जो है वीडियो बाद में थोड़ी सी ऐसा नहीं कि एकदम से बना ली, उसके बाद प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद हम आगे चले गए। जाने के बाद हम मंदिर के दर्शन करके आए, और भाई जो मैं तुम्हें बताऊँ सारी के सारा अगर क्रेडिट मैं दूँ तो भाई जो मेरा अभी ये कैमरा पकड़े हुए है ना विशाल भाई, उनको ही जाता है, क्योंकि भाई ये बंदा बहुत लाजवाब है। ये जो सामने दिख रहे हैं ना, एक तो इनको सारी जगह का पता था कि भाई किस जगह जाना है क्या करना है, और हमने यहाँ दर्शन करने के बाद हमें जो था हमें यहाँ से निकलना था कि भाई चलो अब यहाँ से चलते हैं, और सारे मंदिर जो है हमने यहाँ घूम लिए। जैसे ये अंजनी माता जी का मंदिर था, तो पहले तो हम गए बालाजी सालासर बालाजी, उसके बाद अंजनी माता का मंदिर पर गए, फिर यहाँ पर राम जी का मंदिर था। फिर जैसे ही हम अपनी गाड़ी की तरफ चले तो हमें धर्मशाला दिखाई दी, और यहाँ पे 100 रुपये भरपेट खाना जो है हमें मिला। तो हम ऐसे ही देखा कि चलो देखते हैं भाई खा के, तो अंदर जैसे ही हम गए तो यहाँ पे भाई साहब 100 रुपये में इतना बढ़िया खाना था। फिर हमने रूम भी सोचा कि रूम यहाँ ले लेते हैं, तो चलिए रूम का टूर कराता हूँ आपको। अंदर भी देखो ये, और रे भाई साहब ये तो बहुत सही बात रूम है यार। हमारा रूम है जी, कुछ दो चादर दी गई हैं, बढ़िया लोट मारो। ये तुम्हारा भाई है, मैं जो लेट जाते तुम्हारा राज भाई रूम था, ये ऐसा सा कुछ करके मतलब एक धर्मशाला है, और यहाँ नीचे यहाँ खाना वाना मिलता है। ये दो रूम थे, 103 104। भाई नहा धो के रेडी हो गए, एक गया हुआ है नहाने, और
भाई बिल्कुल एकदम, ये मानो रेडी सही हो गया। बस अभी हम दोनों भाई जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने, बस चलो चलते हैं भाई। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चारों के चारों ही चलते हैं, तो हम चारों भाई जो हैं मंदिर के दोबारा दर्शन करने सुबह सुबह ही आए। और भाई राम जी ने इतने अच्छे दर्शन का मौका दिया कि हम डायरेक्ट, मतलब बिना किसी लाइन के, बिना किसी भीड़ भाड़ के, हम डायरेक्ट अंदर गए। आपको दिखाई थी, हम उसमें ही आए नाश्ता करने, और नाश्ते की भाई क्वालिटी देख लो, और बैठने की जगह देखो कितनी शानदार है। तो बालाजी के लिए बेस्ट जगह है अगर देखी जाए तो, पर यही है कि अगर जल्दी रूम बुक कर लो जो भी, तो ठीक है, नहीं फिर नहीं पाने का कुछ भी भाई। ये तो हमने कर दिया बंद, और अभी ये हमारा दूसरा रूम था। चलो भाई चलो, देखो भाई एक बार कितनी बढ़िया पेंटिंग बनी है ये हमारी। यार हड़ी हड़ी जाना से भाई, हम यहाँ रुके हुए हैं अभी अभी बालाजी और खाटू श्याम से होते होके आते हुए। वो भाई अपना काम कर रहा है, लगा पड़ा है भाई। सारे लोग यहाँ आ गए, एक तो भाई लैपटॉप लेके आया है, दबा के काम कर रहा है, ऑफिस का कुछ काम छूट ना जाए, बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉय है ये डेडी। तो फाइनली हम भाई वहाँ थोड़ा आराम किया, और आराम करने के बाद हम आगे निकल चले। और निकल चलने पे यहाँ पे ना छोटे छोटे टोल आते हैं, जैसे ये पहाड़ी दिख रही है इसके पास में भी एक टोल है, तो वो भी टोल देना पड़ता है, और इसमें 30-30, 40-40 रुपए के टोल ही आते हैं ये। तो हम पहले तो जब हम जा रहे थे यहाँ खाटू श्याम में भी रास्ता भूल गए थे, पर यहाँ पे हम मौज करते, और इसलिए आवाज़ यहाँ नहीं की क्योंकि यहाँ पे ना म्यूज़िक लगा हुआ था, तो कभी कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह ऐसा कुछ आ जाए, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम फिर निकल पड़े। हम जा रहे हैं अभी मिलकपुर धाम, काली खोली धाम जिसे बोलते हैं, ये बाबा मोहन राम जी का मंदिर है वहाँ, वहाँ हम जा रहे हैं। और यहाँ से भाई बहुत शानदार नज़ारे जो थे हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि जब हम गए थे तब तो भाई बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी, कहीं पर ऐसा था ही नहीं कि मौसम खुला हुआ हो। और जब हम वापस आए तो इतना बढ़िया मौसम था जिसका कोई मतलब कुछ कहने ही नहीं थे भाई। और यहाँ पर ये देखो, ये पहाड़ से भी बीच में आए, हमें लगा कि भाई रास्ता पता नहीं कहाँ चला गया, पर फिर भी चलते चलते हम पहुँच ही गए। और कुछ टाइम लगा, खूब मज़े करते, मौज मस्ती करते हुए, गाने गुने सुनते हुए हम जा रहे थे। बाकी बहुत सारी चीज़ें, एक बार तो बीच में जो है पुलिस वाले ने रोक लिया था, और पैसे मांग रहे थे, ये कह रहे थे कि भाई आप ओवर स्पीडिंग पे थे। जब उनसे पूछा कि भाई कहाँ ओवर स्पीडिंग पे थे, तो ऐसा उनके पास कुछ हमें प्रूफ मिला नहीं। फिर उसके बाद बहुत तेज़ भूख लगी थी, तेज़ भूख लगने पे हम आ गए इधर। ये है भाई राव साहब का खाना, भूल ना जाना। वहाँ आके हमने एक थाली मंगाई, ये सारी चीज़ें मंगाई, और यहाँ पे बहुत सही खाना था। खाना खाने के तुरंत बाद हम काली खोली मिलकपुर धाम जो है चले गए। यहाँ मिलकपुर में पहले हमने मंदिर के दर्शन किए, धूना के दर्शन किए, उसके बाद सबको भाई हाथ वाथ जोड़ गए भगवान जी को, आगे चले गए फिर दर्शन करने। उसके बाद जो है हमने बीच में झंडा लिया, और झंडा लेके बहुत मतलब ये था कि बहुत मज़े से दर्शन करके आए। और बस इस वीडियो में भाई इतना ही था, यहाँ के दर्शन कर लो, इतना ही था, इतना घूमे। थैंक यू सो मच, और वीडियो देखते रहिए।